नमस्कार, आप देख रहे हैं INN 24 और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। सिर्फ इंसान के जीवन में घर सपना होता है, साथ ही जरूरत होती है। जहां एक तरफ लोग अपनी मेहनत से पाई पाई पैसे जमा कर अपने सपनों का घर बनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पैसे देने के बाद भी उनका आशियाना सुरक्षित नहीं होता है और बिल्डर अपने फायदे के लिए मनमानी करते हैं। ऐसा ही मामला महाराष्ट्र के मुंबई में देखने को मिला है। टाटा आमंत्रा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से झूठे वादों से परेशान लोगों ने कॉम्प्लेक्स में प्रोटेस्ट मार्च निकालकर अपना गुस्सा निकाला। साथ ही टाटा की तनाशाही नहीं चलेगी के नारे भी लगाए, जहां पुरुष ही नहीं बल्कि भारी संख्या में महिला और बच्चे भी प्रोटेस्ट मार्च में नजर आए। देखने वाली बात यह है कि देश की मोदी सरकार और महाराष्ट्र फडणवीस सरकार हर इंसान को घर देने का वादा करती है, उसकी सुरक्षा और न्याय के लिए खड़े रहने का हुजूम भरती है। अब देखना यह है कि स्थानीय लोगों के प्रोटेस्ट के बाद शासन प्रशासन अपनी नींद से जागेगा और अपार्टमेंट को न्याय मिलेगा। टाटा हाउसिंग के बगल में इन्होंने एक MMRDA रेंटल फ्लैट्स बनाए हैं और अभी जो आमंत्रा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है और जो रेंटल फ्लैट्स के जो रेजिडेंट्स होंगे, इन दोनों का जो इंट्रेंस है, जो पाथवेज है, वो कॉमन है। तो इसी लेकर हमारा सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी का इशूज़ है। दूसरा इशू एक और भी है कि आमंत्रा कॉम्प्लेक्स में टाटा वालों ने एक स्कूल खोलने का परमिशन दे दिया है, तो स्कूल जो है वो एक तरफ नहीं है, हमारे कॉम्प्लेक्स के बीचों बीच है। तो स्कूल के स्टाफ आएंगे, पेरेंट्स आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, ये इन सब काम, तो फिर हमारा सिक्योरिटी फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। फिर कॉम्प्लेक्स में एक बैंक खुल रहा है जिसमें कि आसपास के बाहर के लोग भी आएंगे, तो एज ए बैंक कस्टमर कोई भी और एज ए स्कूल में विजिटर के नाम पर कोई भी हमारे कैंपस में एंट्री ले सकता है और कोई सिक्योरिटी का हमारा बहुत बड़ा इशूज़ है। ये तीन मुद्दे हैं जिनके लिए हम टाटा हाउसिंग से एक लंबे समय से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम लोगों को समय समय पर आश्वासन दिया गया कि वो लोग बाउंड्री वॉल बनाएंगे या कुछ गेट बनाएंगे, कुछ करेंगे, या उन्होंने कहा कि हम बैंक वालों से बात कर रहे हैं, स्कूल वालों से बात कर रहे हैं, मैं ऐसा कुछ कॉन्क्रीट दिख नहीं रहा है। हमारा मेन मुद्दा जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, और जैसे आपका सवाल था कि कमर्शियल और रेसिडेंशियल, हमको कभी भी ये बात बोली नहीं गई है कि यहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी होने वाली है। हमें हमेशा यही बोला गया है कि ये पूरा प्रेमाइसेस रेसिडेंशियल ही है, प्योर रेसिडेंशियल। उसके अलावा जो बेसिक मुद्दे हैं, जैसे एक क्वेश्चन पहले मैडम ने पूछा था कि हमें आप क्या बोला गया था, हमने जब भी फ्लैट बुक करते वक्त कोई भी चीज पूछी है तो हमको यही बोला गया कि ये सब तो बेसिक चीजें हैं, हर बिल्डर देता है, हम भी देंगे ही। बेसिक नेसेसिटीज लाइक CCTV, EPBX, ये भी मिसिंग है। आज हमें वो जवाब देते कि हमने ये ब्रोशर में नहीं बोला था। इन लोग आश्वासन दिया था, अश्योरेंस दिया था, ये क्लब हाउस के नीचे हमारा खुद सोसाइटी के लिए एक कन्वीनियंस स्टोर आपको देगा, बाहर का सामान इधर हम लोगों के लिए। कल ये 1600 फ्लैट्स फेज 3 में अनदर आउटसा आने वाला है, 2400 लोगों के लिए, दैट मींस पूरा फैमिली लेके 10,000-12,000 लोगों के लिए ये यूज होगा करके हम लोगों को अश्योरेंस दिया था। अभी क्या है, ये क्लब हाउस का नीचे एक पोर्शन बैंक के लिए इन लोग भेज दिया, ऑन सेल बेसिस में भेजा, ये बहुत बड़ा गलत किया है टाटा ने। एंड इसका इस वजह से ये बाहर का लोग अंदर आके अभी हम लोगों को द एंटायर मूवमेंट एंड ट्रैफिक एवरीथिंग विल गेट ऑन कंजेशन, हमको तकलीफ होगा उसके बारे में। इसलिए हम लोग टाटा का हाईएस्ट लेवल से हम लोग चिट्ठी लिखा था, अभी कोई एक्शन नहीं लिया। इन लोग खाली अश्योरेंस के ऊपर अश्योरेंस देके ये बैंक और